समाचार में आगे बात करें तो अमदावाद थी एक महत्वना समाचार मिली रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काड़बजारी मामले वधु बे शख्सों ने झड़पी पाड़वामां आव्या छे। जे रीते आ समाचार मिली रहा है कि कोरोना काल वच्चे अमदावाद नी अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की काड़बजारी मुद्दे बे शख्सों झड़पाया है। अमदावाद क्राइम ब्रांचे एसी चार रस्ता पास थी बे आरोपी ने झड़पी पाड़ा है। आरोपी नाम जिगर अशोक होवानी जानकारी पण हाल मिली रही है। हेड कॉन्स्टेबल अखिलेश कुमार पांडे तथा पोसेई स्नेहित देसाई ना टीम ने खानगी राहे बातमी मळेल हती के जिगर उर्फे सन्नी तेमज अशोकभाई दर्जी नामना बे ईसमो तेओनी पासे अलग अलग कंपनी ना रेमडेसिविर वायल्स छे जेओनी पासे कोई वेचवाना के खरीद करवाना परवाना नथी अने आ रेमडेसिविर इंजेक्शन्स बजार मां काळा भाव करी अने 18,000 थी 20,000 नी किंमते वेची रह्या छे। તે બાતમી આધારે એઈસી ચાર રસ્તા પાસે બંને ઈસમોને ટ્રેપ કરી તેમને પકડતા તેમના પાસેથી હેટ્રો કંપનીના 7 એક ઝુબિયાર કંપનીનું 3 ગવર્મેન્ટના અને બીજા એક સિપ્લા કંપનીના એમ કરી કુલ 12 વાયલ્સ કબજે કરવામાં આવેલા છે। આરોપીઓએ આ જે અલગ અલગ કંપનીના વાયલ્સ છે તે ક્યાંથી લાવ્યા છે તે બાબતે તેમના વિરુદ્ધ અત્યારે આઈપીસી 406-120B તેમજ औषध आवश्यक चीज वस्तु धारा अधिनियम तेमज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विरुद्ध मुजब नो गुनो दाखिल करी आगळनी तपास चालू छे। तो जे रीते कोरोना काळ वच्चे अमदावादनी अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शननी काळाबजारीना मामलाओ दिन प्रतिदिन वधी रह्या छे तेवामां अमदावाद क्राइम ब्रांचे वधु बे शख्सोने झड़पी पाड्या छे। 11,000 इंजेक्शन खरीदी करी अने 18,000 वेचता हता। ज्यारे समग्र मामले पोलीस तंत्र द्वारा वधु तपास हाथ धरवामां आवी रही छे।